shadow to my light. Did you feel us? Another. Hello, students. I am Rekha Khola. Today we will discuss about class 7th. का फर्स्ट जो चैप्टर है एनवायरनमेंट, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल अगेन, ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप. पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर. Ravi was almost in tears when we realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." यहाँ पे बताया गया है कि जो एक after a long vacation, यानी कि लंबे छुट्टियों के पश्चात जब रवि स्कूल जा रहा था, तो क्या हुआ कि उसने देखा कि इसके स्कूल के पास वाले जो मैदान में खुदाई चल रही थी, ठीक है, एकमात्र जो वही मैदान था जो उसके लिए खेलने के लिए वहाँ पर था, मतलब उनके खेलने के लिए वहाँ पर वो मैदान था और वहाँ पर भी खुदाई चल रही थी. लोग पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर. लोगों ने बताया कि वहाँ पर कई फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी. ठीक है, आगे क्या बताया कि रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स वेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर. यानी कि जो रवि है उसको समझ में आया कि गेंदे के जो फूल हैं, मुलायम घास और तितलियों वाला जो स्थान था, जो विशाल मैदान, अब क्या हो गया, सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो चुका है. ठीक है, तो क्या हुआ, ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स इन द असेंबली. द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, सी हाउ अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग. यानी कि अभी देखिए उसकी आंखों में जो आंसू आ जाते हैं ये सब देख करके, और उसने अपने सहपाठियों से कहा, यानी कि उसके साथी जो साथी थे उनको क्लासमेट्स बोलते हैं, उनको क्लासमेट्स जो हैं, बताया यहाँ पे कि ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स इन द असेंबली. द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, सी हाउ अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग. यानी कि अब उसने बताया कि जब उसको समझ में आया कि गेंदे के जो फूल हैं, मुलायम घास है और जो तितली वाला जो मैदान है, अब सदा के लिए नष्ट हो चुका है, उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे. ठीक है, उसने अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको बताया, जो सहपाठी हैं उनको, और जो सुबह सुबह क्या हुआ, मॉर्निंग असेंबली में, यानी कि सुबह की जो प्रार्थना सभा होती है उसमें जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य, उनको भी बहुत दुख हुआ. वो उदास हुए, उदासी से उन्होंने कहा कि देखो, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, यानी कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है. ठीक है, आगे देखिए, इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर वट इज़ एनवायरमेंट, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर. यानी कि रवि ने जो क्लास में पहुँच करके अपने टीचर से पूछा कि पर्यावरण क्या है, तो कुछ भी टीचर ने क्या जवाब दिया कि जो कुछ भी आप देख सकते हो, अपने आस पास में देखते हो, वो पर्यावरण है, टीचर ने बताया. रवि थॉट अलाउड, रवि मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लास रूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ अवर एनवायरमेंट. यानी कि रवि कहने लगा कि इसका मतलब क्या है कि जो ये स्कूल भवन है, ये जो क्लास में रखी कुर्सियाँ हैं, मेज़ है, यहाँ तक कि जो खुला मैदान है, कूड़ा करकट है, सड़क है, ये मेरे दोस्त जो हैं, ये सभी क्या है, हम पर्यावरण के अंग हैं. यस, सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाई नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. अदर आर मेड बाई पीपल्स, फॉर एग्जाम्पल रोड, कार, क्लॉथ्स, बुक्स. यानी कि शिक्षक ने क्या कहा कि हाँ, यस, बट वेट, लेकिन जरा रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाई नेचर, लेकिन कुछ जो वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे यहाँ पर क्या बताया है कि जैसे नदियाँ हैं, पेड़ हैं, पशु हैं, प्राणी, जो अदर आर मेड बाई पीपल्स, ये तो क्या है, नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, और जो दूसरे हैं, अदर मेड बाई पीपल्स, दूसरे जो हैं मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, वो मनुष्य के द्वारा जो क्या बनाए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स. यानी कि जैसे कार है, कपड़े हैं, सड़क है, बुक्स है, ये सब चीज़ें जो हैं मानव के द्वारा बनाई गई हैं. नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाई ह्यूमन बींग्स. यानी कि लिस्ट बनाना है. नाउ वर्क इन पेयर्स, यानी कि आप दो दो मिलकर कार्य कीजिए, और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ बैठ करके मिलकर के मानव और जो प्रकृति के द्वारा निर्मित वस्तुओं की एक लिस्ट तैयार कीजिए, सूची बनाइए.
ये देखिए बच्चे हैं, ये इनको बोला गया है कि आप सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए, ठीक है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। रवि है, परमजीत है, जस्सी है, मुस्तफ़ा, आशा। वाई इज़ आवर एनवायरमेंट चेंजिंग, आस्क इकबाल। यानी कि इकबाल ने पूछा कि हमारा जो एनवायरमेंट है यानी कि हमारा जो पर्यावरण है क्यों बदल रहा है, ठीक है, इसके बारे में। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, यानी कि और ये हमारी आवश्यकताओं के कारण होता है। टीचर ने बताया कि ये सब हमारी आवश्यकताओं के कारण होता है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। यानी कि दिन प्रतिदिन जो गतिविधियां हमारी हो रही हैं, बढ़ रही हैं, हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशंस यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट्स रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। यानी कि जब ये बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन हो रही है जो अभी, तो उसमें किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान और प्रकृति को क्या बताया गया है कि पर्यावरण कहा जाता है, ये बताया गया है, ठीक है। ये जो है पर्यावरण जो है मानव निर्मित और प्राकृतिक परिघटनाओं का जो है कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है, फिनोमिना मतलब घटक है, ठीक है। और ये मानव निर्मित है, मानव निर्मित और प्राकृतिक परिघटनाओं का क्या है, मिश्रण है। और इसमें भी बताया कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक, बायोटिक और एबायोटिक यानी कि अजैविक दोनों परिस्थितियां शामिल हैं। जबकि क्या बताया है कि जो मानव, आगे देखिए इसमें, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमंस, जबकि ह्यूमन बींग्स यानी कि जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की जो गतिविधियाँ हैं उनकी परस्पर क्रियाएँ हैं और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएँ शामिल हैं। अब आगे देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट्स। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। यानी कि हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे हम इसको, कि जिसमें जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, भूमि है, जीव जंतु हैं, सभी मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बताया कि जलमंडल है, स्थलमंडल, वायुमंडल और जो है जैवमंडल। आप इनको पहले से ही प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा कि अब और क्या जानेंगे कि इसके बारे में और कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब लिथोस्फीयर क्या होता है, देखिए लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाई थिन लेयर ऑफ सॉयल्स। इट इज़ एन इररेगुलर सर्फेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। लिथोस्फीयर क्या होता है कि भी लिथोस्फीयर देखिए पृथ्वी की ठोस जो परपटी है, ठीक है, सॉलिड क्रस्ट, ठोस परपटी, या कह सकते हैं कि हार्ड टॉप लेयर यानी कि जो कठोर ऊपरी परत को हम लोग लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल कहते हैं। ये किससे बनी होती है, ये खनिजों और चट्टानों से बनी होती है। और ये मिट्टी की और बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉयल, और ये मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉयल। और इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वैलीज एट्सेट्रा। यानी कि ये पहाड़, मैदान, पठार या घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों का विषम धरातल होता है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। यानी कि ये स्थलाकृति, लैंडफॉर्म्स मतलब स्थलाकृति, ये महाद्वीपों के अलावा कॉन्टिनेंट्स और यहाँ पे एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर, यानी कि ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर क्या बताया इसमें कि स्थलमंडल वह क्षेत्र है जिसमें हम क्या करते हैं कि कृषि, वन और मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करती है, ठीक है। और क्या करती है, इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। आगे देखिए इसमें, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। इट कम्प्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एट्सेट्रा। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि
जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। और ये जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी है, समुद्र है, झील है, महासागर है, जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर के बना होता है, जिसको बोलते हैं जलमंडल। द एटमोसफियर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोसफियर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट अस, आगे देखिए, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की जो पतली परत है उसको क्या कहते हैं कि अर्थ को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अपने चारों तरफ क्या करता है, पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों तरफ के वायुमंडल को थाम कर रखता है, पकड़ कर रखता है। ठीक है, ये सूर्य की जो भीषण गर्मी, हार्मफुल रेज हैं, और स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन्स यानी कि सूर्य की जो भीषण गर्मी है और हानिकारक जो किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की जो गैसें होती है, जैसे इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज डस्ट एंड वाटर वेपर्स। दिस चेंज इन द एटमोसफियर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। यानी कि कई प्रकार की इसमें गैसें होती हैं, जलवाष्प होते हैं, धूलकण उपस्थित होते हैं, और वायुमंडल में परिवर्तन होने के से जलवायु मौसम में परिवर्तन होता है। आगे देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर्स और द लिविंग वर्ल्ड्स। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यानी कि जीव जंतु और जो पादप मिलकर, यानी कि पौधे पादप मिलकर जैवमंडल, बायोस्फीयर, जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का क्या है, एक संकीर्ण नैरो जोन है, संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर जल है, स्थल है और जो हवा है मिलकर के जीवन को संभव बनाती हैं, सपोर्ट करती है लाइफ को, ठीक है, संभव बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। यानी कि रवि की कक्षा के जो हैं एनसीसी कैंप में, जैसी ने आश्चर्य से क्या कहा कि कितनी मूसलाधार बारिश, यानी कि हैवी डाउन पोर, यानी कि व्हाट अ हैवी डाउन पोर, यानी कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, और इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, ये मुझे अपने घर केरला की याद दिलाती है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। यानी कि तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे नारियल के बागानों और हरे भरे जो खेतों में लगातार वर्षा होती रहती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। देखिए, तभी जैसलमेर की जो निवासी हैं हीरा, उसने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, ठीक है, और हमें तो दूर दूर तक केवल क्या दिखाई देते हैं, कीकर और जो है रेती नज़र आती है, और हमारी जो आँखें हैं वो इन्हीं को ही देखती हैं, ठीक है, और बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कैमल्स, लेकिन तुम वहाँ पर ऊँट, मतलब ऊँट भी देख सकते हो, यानी कि वहाँ पर ऊँट भी मिलते हैं, सेड रवि, रवि ने कहा, ठीक है। हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट्स यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। रवि वंडर्ड, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। यहाँ पे क्या बताया है कि हीरा ने क्या कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम्हारे यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है, यानी कि रेगिस्तान में जब तुम आओगे तो तुम्हें छिपकली, सांप भी मिलेंगे और दूसरे कीट भी देखने को मिलेंगे। नॉट जस्ट कैमल्स, ऊँट तो मिलेंगे ही, और उसके अलावा आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, छिपकली मिलेगी, सांप मिलेगा, और जो मैनी अदर यानी कि इंसेक्ट यानी कि छोटे और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि वंडर्ड, Why do the animals, the vegetations and the way people live vary from place to place, are they all related to each other? यानी कि रवि जो है हैरान हो गया, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति क्या होता है कि जो अलग अलग स्थान पर मिलते हैं ना, तो ये लोगों के रहन सहन के तरीके और इनसे मतलब उसी हिसाब से उनके रहने सहने के जो तरीके होते हैं वो भी भिन्न होते हैं, ठीक है, और क्या बताया है कि आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? ओ यस, हाँ, बहुत संबंध है, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड, शिक्षक ने कहा। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, लेक, रिवर्स, ओशंस एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड।
यानी कि यहाँ पे क्या बताया कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव जो है अपने आसपास के पर्यावरण पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं वो, ठीक है, यानी कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। और जो जीवधारी हैं उनमें भी तो क्या होता है कि आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के मध्य का जो संबंध है वही क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है, ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं पारितंत्र। अब यहाँ पर और क्या बताया गया है कि देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशंस एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड्स, यानी कि अधिक वर्षा वाले वन, रेगिस्तान, घास स्थल, पर्वत, नदी, झील, महासागर और छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। छोटे से ताल में भी तो जीव जंतु मिलते हैं तो वो भी एक पारितंत्र हो सकता है, ठीक है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम, यहाँ पे बताया है कि क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके जो सहपाठी हैं वो खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था। हाँ, तो वहाँ पर भी तो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे कि मानवीय पर्यावरण, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट्स एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अर्ली ह्यूमन अडॉप्ट्स देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, दे हैड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, विद टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वेरड, ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट्स, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लेड अ सेटल लाइफ, द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम एमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस अनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशंस मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पे बताया है कि जो मानव है अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, पारस्परिक क्रिया करता है वो, ठीक है, और अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है, ठीक है। आदि मानव ने श्रम को जो है अपने प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उनका जीवन बहुत ही सरल था, आसपास की जो प्रकृति से उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी क्योंकि जंगलों में रहते थे, जंगलों से प्राप्त कर लेते थे हर चीज़ें, और समय के साथ साथ क्या हुआ कि उनकी ज़रूरतें जैसे जैसे बढ़ने लगी तो मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीकों को भी बदलना सीख लिया, ठीक है। उसने क्या किया कि पशु पालना शुरू किया, फसल उगाना शुरू कर दिया, स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया, ठीक है, और क्या क्या कर लिया, यहाँ पर बताया गया है कि पहिए का आविष्कार भी हो गया, ठीक है, व्हील वाज इन्वेंटेड, ठीक है। आगे देखिए कि पहिए का जब आविष्कार हो गया उसके बाद क्या हुआ कि ज़रूरत से अधिक अनुप जाया जाने लगा और वस्तु विनिमय पत्ती हुई, बाटर सिस्टम जिसको बोलते हैं बाटर सिस्टम अमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप, यानी कि व्यापार शुरू हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस अनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शंस, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, परिवहन तंत्र में जो है उसमें तीव्र गति से शुरू हो गया, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि सूचना क्रांति से भी क्या हुआ कि संपूर्ण संसार में संचार और बिल्कुल मतलब आसान हो गया और द्रुत गति से, बहुत तेजी गति से वो हो शुरू हो गया, ठीक है। हैव यू कि बहुत तेजी से कम्युनिकेशन स्किल जब ना कम्युनिकेशन जब शुरू हुआ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब विकास हुआ तो क्या हुआ कि हम यहाँ बैठे बैठे सेकंडों के हिसाब से कहीं भी अमेरिका, रूस, कहीं भी मतलब अपने देश में भी कहीं भी बात कर सकते हैं, बहुत जल्दी हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी विकास हुआ है। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरमेंट्स, ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज दैट एनवायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। देखिए इसमें बताया कि क्या आपको लगता है कि या क्या आपको पता है कि आप गर्मी में जो तरबूज खाते, जूसी वाटरमेलन यानी कि रसीला जो तरबूज है, और जो इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर्स, यानी कि गर्मी में तो क्या खाते हो, तरबूज खाते हो रसीला, और सर्दी में जो भुनी हुई मूँगफली खाते हो, वो खाना क्यों पसंद करते हो। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट्स, यानी कि मानवीय और प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य में एक सही संतुलन बना होना आवश्यक है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरमेंट इन अ हारमोनियस वे, इसलिए मनुष्य को पर्यावरण के साथ एक समरसता से रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए। नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ आवर प्लेस, सीइंग रवि अपसेट at having lost his playgrounds, Nuri invited him to visit her home at
home straight during the coming vacations. Revised teachers ask the students to draw the landscapes, houses, the activities of peoples and places they visit during the holidays. यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो क्लास में मिजोरम की नूरी नाम की एक लड़की है, वह अक्सर क्या करती है कि अपने स्थान की वहाँ की हरियाली की बात करती रहती है कि हमारे वहाँ पर ये है वो है। खेल के मैदान नष्ट होने के कारण जो रवि की जो उदासी थी उसके कारण क्या कह रहे कि नूरी ने उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट किया, मिजोरम अपने घर मिजोरम आने के लिए उसने इनवाइट किया। तो रवि के शिक्षक ने क्या कहा कि सभी विद्यार्थियों से कहा कि छुट्टियों में वो जिन स्थानों का भ्रमण करें, यानी कि जहाँ पर घूमने के लिए वो जाएं, वहाँ के जो दृश्य हैं, भू दृश्य जिसको बोलते हैं, तो उनके भू दृश्यों के और घरों के और लोगों के जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाकलाप हैं, उनका चित्र बना करके लाएँ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।